So hello and welcome. Today we are going to start with the fourth chapter for the geometry, that is geometric construction. Okay, तो हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वन स्टार्ट करेंगे, जिससे सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग दी कंस्ट्रक्शन. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल रिकमेंड दैट यू शुड हैव ऑल योर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टूल्स विद यू एंड देन सेट फॉर द लेक्चर एंड साइड बाई साइड करते भी रहो मेरे साथ में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So, what is given over here is the first sum. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिख रहा होगा तुम्हें. ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन. इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन सच दैट बी सी इज टू एम एन का रेशियो कितना होगा, 5:4. बी सी इज टू एम एन का रेशियो कितना होना चाहिए, 5:4. तो हम क्या करेंगे, अभी सम स्टार्ट करेंगे. तो बिफोर कंस्ट्रक्टिंग जो दूसरा ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू दी गई है. हमें ट्रायंगल एल एम एन की वैल्यू दी हुई क्या, नहीं. सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, जिससे हम क्या कर सकें, सिमिलर ट्रायंगल हम प्रूव कर सके. मतलब हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना, हमें कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड एल एम एन, बट हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज है, एल एम एन के हैंगे. तो हम क्या करेंगे, हम सिमिलैरिटी के रूल्स, तुम्हें सिमिलैरिटी चैप्टर होगा रहेगा, तो उसके रूल्स यूज करके क्या करेंगे, वील फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एल एम एन. ओके, नाउ इफ यू नो दैट ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, बरोबर. ये तुम्हें क्या दिया था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये तुम्हें क्या, हाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएम. अब ये दिया हुआ है, करेक्ट, दिस इज गिवन. तो हमें इससे क्या पता चलता है, व्हाट डू वी नो फ्रॉम दिस, सो व्हाट डू वी कम टू नो दैट, वेट अ सेकेंड, दैट ये हमें दिया हुआ है. अब इससे क्या पता चलेगा, दैट अब मैं ये लिख सकता हूँ, ए बी इज टू एल एम, ए बी इज टू एल एम इक्वल्स टू बी सी इज टू एम एन इक्वल्स टू ए सी इज टू एल एन. ये मैं लिख सकता हूँ कैसे, ये क्या है, हमें पता है करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज सी एस एस टी. हम सी एस एस टी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं. अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी एस एस टी लगा दिया. अब सी एस एस टी लगाने के बाद क्या करेंगे, हमें एक और चीज दी गई थी, व्हाट वाज गिवन, बी सी इज टू एम एन का रेशियो, दैट वाज नथिंग बट 5:4. बी सी इज टू एम एन का रेशियो कितना था, 5:4. सो इसका रेशियो सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इज टू एल एम इक्वल्स टू बी सी इज टू एम एन इक्वल्स टू ए सी इज टू एल एम. इनका रेशियो क्या है, 5:4. इस सबका रेशियो क्या है, 5:4. कैसे, एक तो ये था मुझे पता था, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ. ओके, इसको 1 दिया, इसको क्या दिया, 2 दिया. तो उससे हमें क्या पता चलता है, वी कैन नाउ फाइंड आउट दैट इज, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, दिस इज फ्रॉम 1 एंड 2, करेक्ट. नाउ अभी क्या करना है हमें, वट वी आर सपोज टू फाइंड, अभी हमें पता चल गया है. अभी हमें क्या करना है, साथ में सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें क्या करना होगा, साथ में सारा वैल्यूज फाइंड आउट करना होगा. तो बी सी टू एम एन का रेशियो ये है, तो हमें साथ में क्या दिया गया था, हमें वैल्यूज दी गई थी, किसकी वैल्यू दी गई थी, हमें ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और सी ए की वैल्यू दी गई थी. ए बी कितना था, ए बी वॉज 5.5 सेंटीमीटर, करेक्ट. एंड बी सी कितना था, बी सी वॉज 6 सेंटीमीटर. एंड और क्या दिया हुआ था, सी ए, सी ए कितना था हमारा, 4.5 सेंटीमीटर. ये सारी चीज़ें मुझे क्या गई थी, दी गई थी. अब ये दी गई है तो इसका कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा. अभी मुझे क्या पता है, ये सारी इक्वल है, तो आई कैन राइट, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इज टू एल एम इक्वल्स टू 5:4,
करेक्ट. देयरफॉर ए बी का वैल्यू कितना था, 5.5:LM = 5:4. सो यहाँ से एल एम की वैल्यू निकालूंगा. एल एम कैसे निकालूंगा, 5.5 × 4/5. तो एल एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 11 × 1.1, और ये 4.4 टाइम्स हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट 4.4. यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एल एम की वैल्यू मिल गई. अभी मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट, आई एम सपोज टू फाइंड दी डिफरेंट वैल्यू. सो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए साइड साइड में लिखते जा रहा हूँ, बट तुम नीचे नीचे लिखते जाना, साइड में मत लिखना. अभी ए बी इज टू एल एम, सिमिलरली क्या करूँगा मैं, बी सी इज टू एम एन, बी सी इज टू एम एन इक्वल्स टू 5:4. सो बी सी कितना था, 6:MN = 5:4. सो एम एन क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 6 × 4/5. 6 × 4 = 24, 24/5 कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 4.8. ये 4.8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखना मत भूलना वरना मार्क्स थोड़े चले जाएंगे. अब ये मिल गया, अब मुझे क्या निकालना, एम एन भी मिल गया. नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड थर्ड वाला. तो ए सी इज टू ए एन, सो ए सी इज टू ए एन का रेशियो क्या है, अगेन 5:4. ए सी की वैल्यू 4.5, ए एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, 5:4. सो ए एन विल बी नथिंग बट 4.5 × 4/5. ओके, 5 × 1 = 5, 9 = 0.9 होगा. ओके, एंड 0.9 × 4 कितना होता है, 3.6. सो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा, ए एन की वैल्यू 3.6. सो आई गॉट ऑल वैल्यूज. अब मैं क्या करूँगा, अब ये वैल्यूज मुझे मिल गई है, तो इससे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द कंस्ट्रक्शन. इससे व्हाट आई एम सपोज टू डू इज द कंस्ट्रक्शन. तो कैसे होगा, लेट्स सी. सो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हुई है जो तुमको दी हुई थी, ठीक है. अब इससे क्या करेंगे हम, इससे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज विथ योर कंस्ट्रक्शन. अब क्या करेंगे, हफ्ता हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देंगे. सो कैसे करेंगे, अब हमको पता ही है ए बी सी का पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है. सो पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो ए बी सी के लिए हमें क्या करना है कि हमें कुछ बेस लेना पड़ेगा. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज विल टेक सम बेस, वी आर गोइंग टू टेक सम बेस. सो ये बेस कितना लेते देते हैं हम, 6 सेंटीमीटर. बेस कितना ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर. सो ये मेरा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर का बेस हो गया. नाउ तुम कुछ भी बेस ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी वैल्यूज दैट यू वांट. तुमने बोला सर 6 क्यूब, मैं ए सी लूँ 4 लूँगा, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 भी ले लो. तो ये क्या मेरा, ये बी है और ये सी है. अब इसको मुझे कंस्ट्रक्ट करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'll take a rounder. Now I'm going to take a rounder. So in rounder, what I'm supposed to do is, ये rounder लिया. अब मुझे क्या पता है, AB कितना है, 5.5 सेंटीमीटर. अभी ऊपर A point ही आने वाला है. So A यहाँ पे क्या लेना है तुम्हें, 5.5 select करना है. तो मैंने 5.5 ले लिया. अब ये 5.5 को क्या करो, तुम यहाँ पे रख के यहाँ से कट करो, यहाँ से क्या करो, कट करो. अब कट कर दिया, नेक्स्ट क्या है मेरा, ए सी 4.5 सेंटीमीटर. तो सेम वापस राउंडर स्केल पर रखो एंड जस्ट कट दिस. सो यह इसको यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे कट कर दो. कट किया, अब ये होने के बाद क्या करोगे आप, आफ्टर गेटिंग दिस व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट ये पॉइंट जो है इसको बी और सी के साथ तुम्हें क्या करना है, ज्वाइन करना है. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ज्वाइन सी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ज्वाइन बी. सो ये क्या हो गया तुम्हारा ए बी सी, ये क्या हो गया तुम्हारा ए बी सी का वैल्यू. ये ट्रायंगल मिल गया. नेक्स्ट ट्रायंगल तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसका नामकरण भी कर देना है. सो ये कितना था 5.5, बी सी कितना था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए. ए सी कितना था 4.5, तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए. और ए बी कितना था 5.5, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 5.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए. ठीक है, ये मिल गया मुझे ट्रायंगल. अब नेक्स्ट ट्रायंगल मुझे ये करना है. सो मैं अगेन सेम चीज, सेम मेथडोलॉजी फॉलो करूंगा. फर्स्ट क्या करना है मुझे, स्केल लेना है.
स्केल में मुझे 4.8 मार्क करना है, तुम कुछ भी बेस ले लो, मैं 4.8 ही ले रहा हूँ, और थोड़ा नीचे ताकि अच्छा दिखे तुम्हारा डायग्राम। सो 4.8 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4.8 को मार्क कर दिया। अब ये क्या है मेरा, MN है, दिस इज नथिंग बट माई MN, ओके। अब ये MN मार्क किया, अब अगेन राउंडर में क्या करो, L है तो L ऊपर आने वाला है, सॉरी LMN था तो ये LN है, दिस इज नथिंग बट LN, ओके। गलती से लिख दिया था, वो LN था। अब मुझे LM और LN, तो L पॉइंट ऊपर आने वाला है, सो जस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल टेक 4.4 इन द स्केल। स्केल में मुझे क्या करना है, 4.4 यहाँ पे 4.4 लेना है, और जस्ट क्या करना है, मार्क करना है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 3.6 लेना है, सेम मैं राउंडर पे 3.6 लूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। अब ये जो पॉइंट मिली है मुझे, बस क्या करना है उसको, ये मेरी पॉइंट क्या है, ये एल पॉइंट है, तो ये एल पॉइंट को मुझे क्या करना है, बस स्केल से जॉइन कर देना है। इजी इजी सम है, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू दी कंस्ट्रक्शन, समझा सम। और क्या करना है, जस्ट तुम्हें अब सारी तुमने लिख दिया, तो जस्ट क्या करना है, जस्ट वैल्यूज ऐड कर दो, यू नीड टू ऐड दी वैल्यूज। सो ये कितना था तुम्हारा, 4.8, दिस वॉज 4.8, दिस वॉज 3.6, एंड दिस इज हाउ मच, 4.4 सेंटीमीटर, बराबर। ये बस क्या करना है तुम्हें, लिख देना है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस सम, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम।